हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे DRC03 के बारे में। DRC03 की एप्लीकेबिलिटी और कब कब इसकी आवश्यकता होती है DRC303 को फाइल करने की, कब कब आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम प्रोसीजर को समझेंगे कि प्रोसीजर टू पे एडिशनल टैक्स कैसे पे करें, DRC303 के थ्रू पेमेंट कैसे करें। ठीक है जी, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़े रहें। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि DRC03 होता क्या है। DRC03 एक सिंपल सा फॉर्म है। क्या है? सिंपल सा एक फॉर्म, इसके अंदर GST लॉ के अंदर। किस लिए है ये फॉर्म? ये पेमेंट करने के लिए, टैक्स पे करने के। कब पे करना है और कब फाइल कर सकते हम? वॉलेंट्री टैक्स पेमेंट, किसके लिए है ये? वॉलेंट्री टैक्स पेमेंट। वॉलेंट्री टैक्स पेमेंट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? DRC03। बट आप कहोगे कि पेमेंट तो हम 3B के साथ ही कर देते हैं। यस, 3B के साथ ही हम पेमेंट कर देते हैं। बट 3B का तो क्या है, टाइम लिमिट है। जब टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई और रिटर्न फाइल करने की, जो एनुअल रिटर्न और सितंबर की जो डेडलाइन थी वो एक्सपायर हो गई, उसके बाद हमें डिस्कवर हुआ कि हमने कुछ टैक्स या तो कम पे किए, गया क्या किया, कम पे किया है, या कोई डिमांड आ गई तो उसको पे करना है, तो उसके लिए हम किसे यूज करेंगे? DRC03 को। ओके जी, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया। DRC3 क्या है? एक सिंपल सा GST का पेमेंट करने का फॉर्म है। पेमेंट भी कौन सी? वॉलेंट्री टैक्स पेमेंट करने का। कब? या तो कोई डिमांड आई है, क्या कोई टैक्स शॉर्टफॉल हो गई। ठीक है जी, ये फॉर्म कैसा दिखता है ये आप ये देख सकते हो। थोड़ी विजिबिलिटी कम होगी इसमें। ये GST नेम, ठीक है, कोज ऑफ पेमेंट, क्या रीजन है, ड्रॉप डाउन करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वॉलेंट्री पेमेंट का ये सेलेक्ट करना है हमें। ये सारी चीज़ें, रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ इशू, ये सब चलान की डिटेल आ जाएगी इसमें, पेमेंट आ जाएगा आपकी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे इस चलान में मिलेगी, इसके लिए हम सेपरेट भी देखेंगे। अब बात करते हैं, व्हेन शुड ए टैक्स पेयर मेक पेमेंट इन DRC03। DRC03 को कब कब यूज करना है पेमेंट करने के लिए? सिंपल सी बात कि हम कब कब DRC3 के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। कब कब? ऑडिट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्या हो रही है, हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, अब उसका क्या हो रहा है, ऑडिट हो रहा है, GSTR 9, GSTR 9C फाइल करने हैं हमें, ऑडिट हो रहा है, और उसमें हमें पता चलता है कि हमने क्या किया है, कोई शॉर्ट टैक्स पेमेंट की है, इंटरेस्ट पेनल्टी की, या हमने एक्सेस क्लेम कर लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा क्लेम किया है या शॉर्ट पेमेंट की है उसको हम क्या कर देंगे, वॉलेंट्रीली पे करना चाहते हैं तो पे कर देंगे। किसके थ्रू? DRC03 के थ्रू, और उसकी रिपोर्टिंग कर देंगे GSTR 9। ओके जी, अब दूसरी बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन एंड अदर। कोई हमारी फर्म पे क्या हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि हमने टैक्स जो पे किया है वो कम पे किया है, ठीक है, या इनपुट हमने ज्यादा क्लेम कर लिया है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, वॉलेंटरीली पेमेंट कर सकते हैं। किसके थ्रू? DRC03 के थ्रू। ठीक है, इफ द टैक्स पेयर इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ड्यूरिंग सच इन्वेस्टिगेशन इट इज रिवेल्ड दैट द टैक्स पेयर हैड डिफॉल्टेड इनकरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो क्या कर सकते हैं, हम वॉलेंटरीली पे कर देंगे DRC03 के थ्रू। अब बात करते हैं एनुअल रिटर्न, GSTR 9C फाइल कर रहे हैं हम, तब पता चलता है कि हमने क्या किया है, डिस्कवर होता है हमें कि शॉर्ट पेमेंट की है, टैक्सेज इंटरेस्ट और पेनल्टी की, ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग की है हमने टैक्सेबल सप्लाई के, तो हम क्या कर देंगे, अब उसको जो डिफरेंस है उसको पे कर देंगे DRC03 के थ्रू, और 9 में रिपोर्ट कर देंगे। ओके जी,
अब बात करते हैं डिमांड आई है या कोई इन रेस्पॉन्स टू शो कॉज नोटिस, डीआरसी थ्रू के पेमेंट कर देंगे, कोई डिमांड का नोटिस आया है हमारे पास या कोई शो कॉज नोटिस आया है, उसमें भी हम वॉलेंटरीली कब कर सकते हैं, जब नोटिस आया है उसके विद इन 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज का टाइम है जी हमारे पास, कोई नोटिस आता है डिमांड आती है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही हम DRC 3 को यूज कर सकते हैं। DRC 3 का यूज ही कहाँ पर है, वॉलेंटरीली हम खुद से ही, कोई डिमांड का नोटिस आया हमें लगता है कि ये डिमांड का नोटिस ठीक है, जो हमने इनमें रीजन दिए कि आपने इतना टैक्स कम जमा कराया वो रीजन हमें लगा कि ठीक है कि हाँ इनवॉइस हम छूट गई थी कि हमसे ये टैक्स पे करने में, या फिर हमने इनपुट गलत क्लेम कर लिया था, हमें पता नहीं था कि इस चीज़ का इनपुट हमें मिलेगा नहीं, बट हमने क्लेम कर लिया और उसका नोटिस आया हमें लगता है कि सही है, तो हम उसको क्या करेंगे विद इन 30 डेज के अंदर ही DRC 03 के साथ फाइल करके निपटा देंगे, खत्म होगा हमारा शो कॉज नोटिस भी, ऑर्डर भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फॉर्म DRC 03 इज फील्ड फॉर मेकिंग ए वॉलेंट्री पेमेंट, ये ध्यान रखना हमें, जब ऑर्डर नहीं आया उससे पहले वॉलेंट्री पेमेंट के लिए आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज अंडर सेक्शन 73 74 73 किस लिए होता है, ये शो कॉज नोटिस आता 73 में किस लिए आता है, नॉन पेमेंट अंडर पेमेंट की है टैक्स की विदाउट एनी इंटेंशन और इन्वोकेशन ऑफ फ्रॉड, हमारी फ्रॉड करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, गलती से बाय मिस्टेक हमने कम टैक्स को पे किया या अंडर पेमेंट की है, पे ही नहीं किया, तो सेक्शन 73 के नोटिस आते हैं। 74 में कौन से नोटिस आते हैं कि हमने फ्रॉड की इंटेंशन थे, जानबूझ के टैक्स की चोरी की है, तो सेक्शन 74 का नोटिस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इन दोनों ही केस में अगर कोई नोटिस आया और हमें लगता है कि सही है, जो नोटिस आया सही है, तो विद इन 30 डेज क्या कर देंगे हम, नोटिस आने के उस पेमेंट को फाइल कर देंगे DRC 03 के थ्रू और हमारा नोटिस भी क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा जब हम लाइबिलिटी पे कर देंगे। तो लाइबिलिटी मिसमैच हो रही है GSTR 1 और GSTR 3B के अकॉर्डिंग, GSTR 1 में हमने सेल दिखा दी और 3B में हमने टैक्स पे ही नहीं किया, इनपुट भी इतना नहीं था, ठीक है उसमें हमने गलत फिगर दी, तो उसकी भी हम पेमेंट कर सकते हैं DRC 03 के थ्रू, जब हमें पता चला कि हमने गलत पेमेंट कर दी है 3B में। ITC मिसमैच हो रहा हमारा GSTR 2A 2B के 3B के अकॉर्डिंग, हमने टैली के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग तो बिल ले लिए, बट जो सामने वाली पार्टी जिससे परचेज की थी उन्होंने बिल फाइल ही नहीं किए, हमें इनपुट नहीं मिलेगा, तो उसका जो मिसमैच है उसकी पेमेंट भी हम GSTR में 3B में जो छूट गई थी उसको हम कैसे करेंगे DRC 03 के। ठीक है जी, फॉर्म DRC 03 इज यूज फॉर मेकिंग ए वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स, इसलिए यूज किया जाता है वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स। वॉलेंट्री पेमेंट दो ही केसेस में होगी, बिफोर द इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, या तो शो कॉज नोटिस नहीं आया तभी हम वॉलेंट्री पेमेंट कर देंगे अपने आप से, तो तभी कर सकते हैं, और नोटिस आ भी गया है तो विद इन 30 डेज, कितने दिन का टाइम है 30 दिन के अंदर अंदर फिर भी पे कर सकते हो, नहीं तो फिर DRC 03 के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है कि वॉलेंट्री पेमेंट के लिए DRC 03 को बनाया गया है। वेयर टू रिपोर्ट कैश पेमेंट इन GST रिटर्न में, कैश पेमेंट हम कहाँ कहाँ रिपोर्ट करते हैं, एक तो हमें पता ही है हम 3B फाइल करते हैं हर महीने की महीने या क्वार्टरली, उसमें हम जितना हमारा टैक्स बनता है ITC को पहले यूटिलाइज करते हैं, उसके बाद जो कैश बनता है वो पे करके हम उसमें रिपोर्टिंग कर देते हैं कि हमने इतना कैश में डिपॉजिट कर दिया है टैक्स अमाउंट, और GSTR कुछ बच गया तो GSTR 9 में रिपोर्ट कर देते हैं कैश पेमेंट करके, और नोटिस आता है इन केस ऑफ डिमांड नोटिस। ठीक है, ये देखते हैं हम, इन केस ऑफ डिमांड नोटिस पेमेंट कैन बी मेड बाय यूटिलाइजिंग ITC। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूटिलाइज हमारे पास ITC पड़ा है, ITC से कोई टैक्स लाइबिलिटी है यूटिलाइज कर लेंगे, और कैश का बैलेंस था हमारे कैश लेजर में तो वो भी यूटिलाइज कर लेंगे, और उसके बाद भी कोई लाइबिलिटी बची, मान लो रिमेनिंग कोई, मान लो 1000 रुपए का नोटिस है हमारे ITC में, बैलेंस है 600 रुपए, 600 ITC से, और ऑलरेडी कैश हमने 100 रुपए का डिपॉजिट करवा रखा था 700 रुपए, 300 रुपए का जो कैश बचा वो हम फिर से चलान क्रिएट करेंगे और डिपॉजिट करवा दें। और एक बात,
इंटरेस्ट और पेनल्टी जो होती है वो तो हमें पता ही है कि कैश में ही डिपॉजिट करवानी होती है। इंटरेस्ट और पेनल्टी हमेशा ही कैश में डिपॉजिट होगी, कभी भी आईटीसी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर विल इश्यू एक्नोलेजमेंट इन फॉर्म DRC04। कौन से फॉर्म में देगा? DRC04 में एक्नोलेजमेंट मिलेगी। पेंड मेड इन DRC03 में जो हमने पेमेंट की उसकी एक्नोलेजमेंट किसमें आएगी? 04 में। पॉइंट, द प्रोसीडिंग विल बी कंक्लूडेड बाई द ऑफिसर बाई इश्यूइंग एन ऑर्डर इन फॉरम DRC5। और ऑर्डर कौन से फॉर्म में आएगा? DRC5। क्या देखा हमने? DRC03 के थ्रू हमने क्या करी? वॉलेंट्री पेमेंट कर दी टैक्स लाइबिलिटी की, कैश डिपॉजिट कर दिया जो बनता था। 04 में हमें एक्नोलेजमेंट मिल जाएगी और 05 में हमें ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी ऑफिसर से। ओके जी, द टैक्स पेयर कैन नॉट मेक पार्शियल पेमेंट। ये भी नोट करने वाली बात है, कोई नोटिस आया है उसमें लाइबिलिटी आई है तो उसकी हम या तो फुल्ली पेमेंट करेंगे या फिर उस शो कॉज का नोटिस के अगेंस्ट में रिप्लाई करेंगे कि लाइबिलिटी नहीं बनती है तो, बट उसकी पार्शियल पेमेंट हम नहीं कर सकते। अब क्या होगा? DRC03 फाइल कर दिया, उसके बाद क्या होगा? द स्टेटस ऑफ फाइलिंग विल चेंज पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाई टैक्स ऑफिसर। हमारा क्या रह जाएगा? पेंडिंग हो जाएगा फॉर अप्रूवल बाई टैक्स ऑफिसर। द टैक्स पेयर गेट्स एन एक्नोलेजमेंट एज इश्यूड बाई टैक्स ऑफिसर इन द फॉर्म ऑफ GST DRC04। एक्नोलेजमेंट कौन से फॉर्म में मिलेगी? DRC04 में। ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग अनोदर पेमेंट। फिर से भी हम पेमेंट कर सकते हैं कि हमने एक बार देखा वॉलेंटरीली पेमेंट कर दी और फिर से हमें और लगा कुछ और थी मिस्टेक और रिकवर ध्यान आ गई हमें तो और टैक्स पे करना चाहते हैं और कर सकते हो आप वॉलेंटरी बेसिस पे ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़े रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि DRC03 के द्वारा पेमेंट कैसे करते हैं GST पोर्टल पर, उसके आपको स्क्रीनशॉट के साथ आपको समझाया जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।